चलो प्यारे बच्चों, अब इनकम स्टेटमेंट मैं बनाने लगा हूँ। स्क्रीन पर आप साथ साथ देखते रहिएगा, कोई चीज समझ में नहीं आता पूछ लीजिएगा, और आपकी असिस्टेंस से ही बनाऊंगा। तो चलें, सेल्स के अमाउंट 415000, ये हम आ गए इस क्वेश्चन पर। कहाँ तक एडजस्टमेंट बनाई थी? 8 तक। फोर 1 5 ट्रिपल 0, ये हमारी सेल्स आ गई। और सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट अगर किसी को नजर आए तो वो जल्दी से बताएगा मुझे, नहीं नजर आ रहा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फौरन तेजी से, ठीक है? आप लोग प्लीज खुद भी मुझे बताते रहेगा कोई कहीं कंफ्यूजन हो। ओके जी, इसके बाद यही मैंने कहा नेट सेल है, क्योंकि सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट शायद नहीं है, तो मैंने कहा आप क्या लिखूँ जनाब। अब मैं लिख देता हूँ CGS। CGS की कंप्यूटेशन आपने जो बनाई होगी वो कुछ यूं बनाई होगी, आपने सबसे पहले लिखा होगा जनाबे अली एम आई ओपनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग अमाउंट जल्दी जल्दी लिख लेता हूं मैं कोशिश करके। ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन में है जनाब, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग 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 ये 75,000, इसमें परचेजेस और परचेजेस के साथ ऐड होगा कैरिज इन। कैरिज इन है मेरा ख्याल है क्वेश्चन में, अगर मैं गलत ना हूँ। परचेजेस के अमाउंट है जनाबे अली, हाँ कैरिज इन फ्रेट के नाम से 13,100 रुपए, 1,85,000, 13,100, 185, 13,100 दोनों ऐड करके ग्रॉस परचेज आएगा। परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट देखता हूँ, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट भी मुझे नजर नहीं आ रहा, आप में से किसी को नजर आ रहा हो तो बराए मेहरबानी अदब से कह रहा हूँ जल्दी से बता दे। 16 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी सब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मेरी समझ नहीं आती। शुरू में मीटिंग में सब होते हैं, बाद में सब चले जाते हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला है, नौकरियों वगैरह पे जाना होता है क्या है। तो फिलहाल मैंने कहा ठीक है जी, मेरा ये नेट परचेज होगा इन दोनों को ऐड करके। वेजेज एक्सपेंस भी मुझे इस क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, तो मैं दोनों को ऐड करके यहाँ लिखता हूँ, और इन दोनों को ऐड करके मैं कहता हूँ वेजेस है इस पे। ओके तो लिख देते हैं वेजेस। वेजेस बिल्डिंग वाली तो वेजेस नहीं बोल रहे, या अलग से है? नो सर, ट्रायल अलग से है, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में। ओके जी, वेजेस 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 84800, ठीक है जनाब, 84800 तीनों आप प्लस हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस एम आई एंडिंग, एम आई एंडिंग 1,01,000 की अगर मैं गलत ना हूँ जी, हाँ बिल्कुल 101000, इसको आपने कर दिया माइनस, आपके पास टू 5,69,00 सी जी एस आ गई, ये मैं आप प्लेस कर देता हूँ 2,56,900। ग्रॉस प्रॉफिट 1,58,100, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास सबसे पहला खर्चा है जनाबे अली डायरेक्टर फी 5,740, डायरेक्टर फी 5,740, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी अगर मैं गलत ना हूं तो। डायरेक्टर फी के बाद अगला खर्चा नजर आ रहा है बैड डेट 2,110, बैड डेट एक्सपेंस 2,110 था, ब्रैकेट ऑन 2,110 माइनस 20 रुपए 2,090 रुपए आ गया अगर मैं गलत ना हूं। ओके जी, तो प्यारे बच्चों इसके बाद बैटेड एक्सपेंस के बाद अगला खर्चा जाना जाता है, वो आता है
जनाबे अली, जनाबे अली, गुडविल, कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस 16,900, जनरल एक्सपेंसेस 16,900, और क्या नजर आता है जनाबे अली, सैलरीज का खर्चा नजर आता है 14,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, और खर्चा नजर आता है मुझे सैलरीज के बाद, यहाँ खर्चा नजर नहीं आता, मैं जाता हूँ एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन नजर आता है, अमोर्टाइजेशन नजर आता है जनाब, और कोई खर्चा नहीं, और टैक्स एक्सपेंस तो आखिर में आएगा, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ओके जी, एक आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक आ गया अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट ऊपर थी 36,360, गलत तो नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसीलिए एडजस्टमेंट बनाई है ना मैंने, 36,360। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1,000 था बेटा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर क्या होती है कोमल, अब आप ही बताओ यहाँ जवाब दे के। सर क्या वेजेस ऐड नहीं होगा परचेजेस में? किया ना बेटा वेजेस ऐड, मेरा बच्चा ये हुआ हुआ नेट परचेज और वेजेस ऐड हुआ और ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड हुई, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया। सबके सवाल के जवाब दे रहा हूँ, अफसा आपके सवाल का जवाब दे दिया, कोमल के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, वो खुद बताएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर क्या होती है। ओके जी, फाइनली सारे खर्चे आ चुके हैं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1,000 था, मैं गलत तो नहीं हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था 5,000, इसका 20% 1,000 बनता है, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, सबको ऐड कर दिया, खर्चों का जवाब आया 76,590, इसे लेस करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और कोई अगर इनकम है जनाब आज क्वेश्चन में, कोई है तो बता दें प्लीज, अगर इनकम, कोई अगर इनकम नजर नहीं आ रही, नहीं जनाब, नहीं जनाब, कोई अदर इनकम नहीं है, मुझे भी नजर नहीं आई, आपको कोई अदर इनकम नजर आ रही है तो बेफिक्र होकर बताएं, मैंने इसका नाम डायरेक्ट रख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बजाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी, और इसमें से अब मैं लेस कर दूंगा डायरेक्ट, ईबीआईटी में से मैं लेस कर दूंगा टैक्स एक्सपेंस, जिसकी अमाउंट हमने सोची थी अगर मैं गलत ना हूँ कितनी, 25,000। जी जी अच्छा बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मेरा बच्चा हमारा नॉन करंट एसेट होता है, इंटेंजिबल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी को बनाते वक्त के खर्चे होते हैं और इसे कंपनी फॉरन एक्सपेंस नहीं कहती, बल्कि इसे अपना एसेट मानती है, और एसेट में नॉन करंट और नॉन करंट में इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस, जो नजर नहीं आता, और इसी को तो अमोर्टाइज करते हैं, अमोर्टाइजेशन जो हो रही थी ऊपर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की तो हो रही थी, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एसेट है और इसकी कुछ अमाउंट हमने अपना खर्चा बनाया था अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से, जो ये लिखा भी और एडजस्टमेंट भी बनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। टैक्स एक्सपेंस माइनस 25,000 हमारे पास 56,510 नेट लॉस आया, 56,510 पता का जवाब था अगर मैं गलत ना हूं, 56,510। बाकी लोगों को इनकम स्टेटमेंट या तो बनाना नहीं आ रहा या फिर कोई और मसला बिचारों के साथ है। 56 आपका आंसर ये था बेटा? जी सर। ओके, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बना लिया आपने? जी। चलिए सर, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आप हमें भी बता दें जल्दी से, इसका नाम नेट प्रॉफिट रख देता हूँ, नेट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसमें बैलेंस शीट भी, अभी बस जल्दी से दो काम करके क्लास खत्म करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, तो सबसे पहले लिख देता हूँ रिटेन अर्निंग ओपनिंग 14,500 मेरा बेटा, इस साल का प्रॉफिट ले लेता हूँ 56,510, दोनों को प्लस करके 71,010 आ गया, लेस कर देता हूँ, लेस करेंगे एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस इंटरिम डिविडेंड, अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आ गया मेरा बच्चा, एक मिनट रुकिएगा, कितनी है, कितनी अप्रोप्रिएशन है, एक दो तीन, कितनी है, तीन,
तीन ओके इंटरिम डिविडेंड आ गया. दूसरा नाम बताओ. जर्नल रिजर्व्स. जर्नल रिजर्व आ गया. और कैश डिविडेंड टेबल. ओके जर्नल रिजर्व और कैश डिविडेंड टेबल. चलें जी इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट बता दो मेरा बेटा. ट्रायल बैलेंस में है 7,500. जर्नल रिजर्व बनाए 10,000. पहले से भी है ट्रायल बैलेंस में जर्नल रिजर्व. पूरी बात अगर देखना चाहे तो देख ले. जर्नल रिजर्व बैलेंस में कितने मेरा बेटा 25,000. यार मुझे नजर नहीं आ रहा आप सबको आ रहे हैं. कौन सी लाइन में भाई? फोर्थ लाइन में. जनरल रिजर्व 25,000 रुपए पहले से है भाई. हमने जनरल रिजर्व और बनाया है 10,000 रुपए से. इसमें 10,000 और डाले तो अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 35,000 रुपए लिखा जाएगा. उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास मेरी बात सुन रही है. चलें जी आगे बढ़ता हूँ. जी मेरा बच्चा जनरल रिजर्व के बाद कैश डिविडेंड पेबल के अमाउंट 23,000. 23 यस सर. तीनों को प्लस कर लेता हूँ और इसे इसमें से माइनस कर देते हैं जनाब. टू थ्री वन कुछ गलत किया हुआ मैंने. नहीं ये रिटेन एंडिंग का एंडिंग बैलेंस बताओ पड़ता 30510. ठीक है मेरा बच्चा टैली हो रहा है. इंटरिम डिविडेंड के आगे पेड लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि वो अदा हो चुका है. इंटरिम डिविडेंड वैसे भी ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है तो वो दिया जा चुका है. अंडरस्टूड सी बात. ठीक है अदरवाइज उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा. जी बेटा मेरा बच्चा बैलेंस शीट पे चलते हैं. ऑथराइज शेयर कैपिटल है इस क्वेश्चन में. यस सर. नॉमिनल कैपिटल 6,00,000 रुपीज 10 रुपीज का शेयर है. तो ऑथराइज कैपिटल जो बच्चे लिखेंगे आज वो उसमें लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच और सिक्स लाख आ गया. टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में शेयर होल्डर इक्विटी डायरेक्ट लिखी थी हमने. वाह भाई वाह सही है. तो अब शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या आया मैं बोलता हूँ और फिर मैं वैल्यू पूछ लूंगा. बैलेंस शीट आप में से जो लोग बना रहे हैं या बना चुके हैं वो मेरे साथ देंगे और चेक भी करते रहेंगे. कोई बात समझ नहीं आया तो पूछेंगे. जी सर रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यूज दोबारा से बता दीजिएगा पूरी शुरू से. जी सिर्फ वैल्यूज बता दीजिएगा सर. ये देखिए रिटेन अर्निंग ओपनिंग स्क्रीन पे आपकी आ रहा है 14,500 ओपनिंग है. मैंने क्वेश्चन से पिक किया है 56510 इस साल का नेट प्रॉफिट है जो मैंने लिखा है. ठीक है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. और मेरा बच्चा मैंने इसको ऐड करके रिटेन अर्निंग टोटल रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन ये लिखा हुआ है 71010. इसमें से मैंने तीन चीजें लैश की है. पहली इंटरिम डिविडेंड 7,500, दूसरी जर्नल रिजर्व 10,000, तीसरी कैश डिविडेंड टेबल 23,000. तीनों को प्लस करके 40,500 रुपए आज मैंने रिटेन अर्निंग से निकाल लिए. 30,510 रुपए 30510 ये रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस है. अब मैं शेयर होल्डर इक्विटी के आइटम्स कॉल करूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया. रिटेन अर्निंग के आइटम शेयर होल्डर इक्विटी के आइटम्स में कॉल करूंगा. आप प्लीज अपने पास चेक कीजिएगा. कोई अमाउंट समझ में नहीं आया तो बराए मेहरबानी पूछ लीजिएगा. शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे पहला नाम जो मेरे मुताबिक आप सबने लिखा हुआ वो यकीनन है आपका इशूड एंड पेड अप कैपिटल. इशूड एंड पेड अप कैपिटल आपने लिखा है जनाब अली 46,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच 4,60,000 रुपए. मेरा ख्याल है बैलेंस शीट ही बनानी पड़ जाएगी इस तरह पूरी. 4,60,000 46,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच 4,60,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल आ गया. इसके बाद आपने इसके नीचे लिखा है जनरल रिजर्व. गौर से सुन लीजिए जनरल रिजर्व पहले से था 25,000 एडजस्टमेंट में 10,000 और क्रेडिट हुआ 35,000 लिखा बच्चे ने 35,000 जनरल रिजर्व के अमाउंट.
और इसके बाद तीसरी चीज लिखिए रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस. रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हमने खुद निकाला जो कि मैंने अभी अभी बताया. रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 30510, तीनों को प्लस करके शेयर होल्डर इक्विटी का सम बता दे. कोई बच्चा मुझे लिख के बता दे, वॉइस में बता दे टोटल शेयर होल्डर इक्विटी. 5255100 525,510 rupees. सही है मरियम? यस सर. ओके बेटा, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी लिखने के बाद लाइबिलिटीज नॉन करंट आज कितनी है सवाल में, है भी या नहीं है? 6% डिवेंचर 3,00,000 rupees. 6% डिवेंचर 3,00,000 rupees के, तो मैं 3,00,000 rupees लिख देता हूँ टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज में. करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या नाम आए पहले मैं वो नाम लेता हूँ, और फिर या एक काम करूं यहाँ पे मैं अमाउंट लिख के दिखाता हूँ इस जगह. टोटल करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आया, सबसे पहली अमाउंट जो आई टोटल करंट लाइबिलिटीज में वो आई सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 50,000. ये मैंने लिख दिया यहाँ 50,000 प्लस. फिर इसके बाद जो अगली अमाउंट आई सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आप लोगों ने यकीन लिखी होगी वो है मेरे बच्चों जनाब अली ट्रायल बैलेंस में नहीं बिल्स पेबल 38,000. ट्रायल बैलेंस में बिल्स पेबल 38,000. तो 38,000 भाई मैं यहाँ सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ प्लस करके ताकि आप वीडियो दोबारा चेक करें देखें तो आपको समझ आ जाए. बिल्स पेबल के बाद आपको ट्रायल बैलेंस में और कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही. अब आप लाइबिलिटी ढूंढने का एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट ऊपर बनी हुई मेरे पास, यहाँ से लाइबिलिटी देख लेते हैं वन बाय वन. पहले एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर डेफिसिट था, क्रेडिट में, दूसरे में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था, तीसरे में वेजेस पेबल 10,000 ये लिखेंगे, कैश डिविडेंड पेबल 23,000 लिखेंगे, टैक्स पेबल 25,000 लिखेंगे. तीन लाइब्रेटी हो गई. एक बार दोबारा कहता हूँ, पहले लिखेंगे वेजेस पेबल 10,000, कैश डिविडेंड पेबल 23,000 और टैक्स पेबल 25,000. तीनों लाइब्रेटी को वहां लिख देते हैं. तीनों को आप नाम से लिखेंगे बकायदा जो अंदाज है उसी तरह से. 10,000 rupees के वेजेस पेबल प्लस 23,000 rupees का कैश डिविडेंड पेबल, 25,000 rupees का टैक्स पेबल. टोटल करंट लाइब्रेटीज का सम मुझे कोई बच्चा कंफर्म करे जिसने अपने पास लिख के काम कर लिया है. 146,000. ओके, टोटल करंट लाइबिलिटी टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों प्लस हो गए 446,000. ये टोटल लाइबिलिटीज का आंसर है और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का आंसर है 971510. जिन बच्चों के पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का आंसर ये आ रहा है 971510, उनसे रिक्वेस्ट है वो वाई लिख के भेजें अगर वो काम कर चुके हैं. यस सर, यही आ रहा है. ओके मरियम, मुझे एसेट्स में काम करा हेल्प करो ताकि मैं खत्म करूं जल्दी से क्लास. एसेट्स में नॉन करंट एसेट में आ गए. जी सर, बस एक ही बच्चे का टेंजिबल एसेट्स, एक ही बच्चे ने भाई लिख के भेजा है मुझे और मरियम ने मुझे बताया है बस. बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्लास में है या नहीं? काशान भाई कितना पीछे है यार, इतना भी पीछे ना चले. असरा कब आया है जनाब? अली सुफियान का जवाब नहीं आया, अक्सर सईद का जवाब नहीं आया, तैमूर का जवाब नहीं आया मेरे पास. हरम भाई ने नहीं भेजा जवाब मेरा ख्याल है अभी तक. हरम आप काम कर चुके हैं बेटा, कर दिया. अच्छा ठीक है, हरम आपको वाई पढ़ लिया मैंने बेटा, थैंक यू. चलें जी, बस अब बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं. नॉन करंट एसेट में आज नोट बनाने की जरूरत है नहीं है तो आप ही बताएंगे मुझे. आज टोटल नॉन करंट एसेट जाके देखते हैं तो सबसे पहला नजर आता है बिल्डिंग प्रीमिसेस बिल्डिंग, फिर नजर आता है प्लांट एंड मशीनरी. क्या सबका डेपिजिशन अलग अलग हमें पता है? जी हाँ, अलग अलग पता है. तो इसका मतलब है हमें अलग अलग लिख कर दिखा देना चाहिए. सर अगर हम नोट बना दें कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया ना कि आप नोट बना सकते हैं, आप प्रैक्टिकल अंदाज में काम कर सकते हैं पेपर में. तो अभी आपकी चॉइस है, आप जिस तरह बेहतर समझें. मैं यहाँ पर फिलहाल मैं अभी लिख दे रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, काइंडली आप साथ साथ रहिएगा. प्रीमिसेस बिल्डिंग 3,00,000 rupees की थी, आप 3,00,000 rupees लिखकर इसमें से लेस करेंगे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो कि क्वेश्चन में था ही नहीं. बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन पहले से ना था, ना हमने एडजस्टमेंट में एंट्रीज में कहीं बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, तो बिल्डिंग की वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी 3,00,000 rupees. उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,60,000 का था, 3,60,000 के प्लांट एंड नो सर एडजस्टमेंट में बिल्डिंग सर
ओके हाँ सही है, 10,000 रुपए से वेजेस की वजह से बिल्डिंग बढ़ी है, तो बिल्डिंग की कीमत आप लोग 3,10,000 रुपए लिखेंगे, बिल्कुल सही। नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में चलें जी मैं नोट बना लूं शराफत इसी में, नॉन करंट एसेट्स और इसमें पहला नाम आ गया बिल्डिंग, बिल्डिंग की अमाउंट 3,00,000 थी, 3,10,000 रुपए लिख दी मैंने, 10,000 रुपए ऊपर जो एडजस्टमेंट है हमने बनाई थी, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा उनके लिए खसूसी तौर पे स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लो ऊपर ही हमने बिल्डिंग डेबिट की थी, ये री एंट्री 10,000 से, ये बिल्डिंग 10,000 डेबिट और वो वाली जो ट्रायल बैलेंस में दोनों को प्लस करके बिल्डिंग की वैल्यू 3,10,000 रुपए बनी। इसके बाद मुझे अगला एसेट जो नजर आ रहा है बेटा वो क्वेश्चन में कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000, 3,60,000 में से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में से आप सब अलाउंस फॉर डेप्शन लेस करेंगे, 3,60,000 में से सब बच्चों ने माइनस किया, माइनस 36,000 था जवाब शायद डेप्रिसिएशन, 36 था कितना था भाई, हाँ 36,000 ही था, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू बताना बेटा क्या बचे, 324,000। इसके बाद हमारे पास अगली चीज है फिक्स्चर, वैसे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नजर आ रहा है लेकिन फिक्स्चर लिखेंगे पहले, फिक्स्चर्स, फिक्स्चर की अमाउंट थी तेरा बच्चा हमारे पास कितनी, 7,200 माइनस 360 रुपए, यही था, यस सर, 6840 फिक्स्चर की वैल्यू आ गई। नॉन करंट एसेट अब हाँ इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल में पहला नजर आया हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और तो कोई नॉन करंट नहीं है ना, टेंजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस गुडविल है जी बेटा, वो भी लिखेंगे हमारा बच्चा, बिल्कुल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस गुडविल और क्या है इन्वेस्टमेंट है लेकिन तो शॉर्ट टर्म है शायद, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और आगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख दिया, तो ये तो फिर करंट एसेट, इसका मतलब दो ही है नॉन करंट एसेट, तो जनाब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था 5,000 माइनस किया 1,000, सर माइनस क्यों किया, एडजस्टमेंट में आया था क्रेडिट साइड पर जाके चेक कर लो, तो 4,000 रुपए मैंने यहाँ लिखे, गुडविल कितनी है बेटा पहले से 25,000, ओके मैंने 25,000 पेश कर दिया, टोटल नॉन करंट एसेट्स 669840, टोटल नॉन करंट एसेट्स, ओके मेरे बच्चे अब करंट एसेट्स की बारी, करंट एसेट्स में आप लोगों ने क्या क्या लिखा आइए जल्दी जल्दी करंट एसेट्स को भी देख लेते हैं, करंट एसेट में सबसे पहला नाम जो लिखते हैं वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग होता है, और क्यों लिखते हैं मैंने आपको बताया था परमानेंसी मेथड के तहत सबसे पहले देर तक रहने वाली चीजों को लिखा जाता है, हाईली लिक्विड चीजों को सबसे आखिर में प्रेजेंट करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की 1,01,000 रुपए मैंने प्लेस कर दी है, उसके बाद सप्लाईज हैं रिसीवेबल प्रीपेड है, प्रीपेड भी नहीं है शायद, प्रीपेड भी नहीं, उसके बाद रिसीवेबल आ जाएगा डायरेक्ट, और तो है रिसीवेबल वो किस नाम से फ्रेंडली डेटर्स, तो मैंने यहाँ लिखा डेटर्स 87,000 रुपीस में से मैंने माइनस किया 3,480, अगर मैं गलत ना हूँ यही था, ये इसी सवाल में था किसी और में था, नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ, हाँ यही 3,480 एडजस्टमेंट की वैसे 3,480 रह गया था, ओके लिखा आ जाएंगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 4%, ये हाईली लिक्विड होती है आप इंतहाई तेजी से इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करंट एसेट है हाईली लिक्विड एसेट है, मुझे अकाउंट रिसीवेबल की फाइनल अमाउंट बता दे कोई बच्चा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अमाउंट है 60,000, 83520, इसके बाद आखिरी में आप हमें कोई करंट एसेट नजर आ रहा था वो एक ही है बस, और वो है कैश, कैश की अमाउंट कहाँ है, कैश इन हैंड 17,000, बैंक भी है सर, बैंक भी है, अच्छा मेरा बेटा देख लेता हूँ मुझे नहीं आ रहा था,
कहाँ है, कौन सी लाइन में, हाँ ये उसके साथ ही कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो पहले आएगा मेरा बच्चा कैश एट बैंक, उसूलन कैश एट बैंक, और इसके बाद आएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की अमाउंट है हमारे पास क्वेश्चन में 3990 17,250 कैश का बैलेंस। टोटल करंट एसेट आ चुके हैं हमारे पास, टोटल करंट एसेट्स, और अब ये टोटल करंट एसेट के साथ प्लस कर दिया टोटल नॉन करंट एसेट 971510 मेरे बच्चों बैलेंस शीट टैली हो चुकी है अलहमदुल्ला। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास भी टैली हो चुकी होगी। जिन लोगों ने काम कर लिया है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने काम नहीं किया वो वीडियो को देखकर मजीद हेल्प लें, कोई चीज समझ नहीं आए बेफिक्र होकर पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछ लें, और ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से बात करूंगा, पूछूंगा कि कुछ लोग क्लास से क्यों गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं अचानक, आखिर में खैर मेरी क्लास भी लंबी जाती है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा बस आज की आखिरी बात, मैंने आपको होमवर्क असाइन कर दिया था शुरू में, अगर आपको याद हो ये जो आपको मैंने फॉर्मेट भेजा है, आप कुछ लोगों के पास फिजिकल मौजूद है, कुछ लोगों के पास वीडियो में आ रहा होगा, वो वीडियो से देख लेंगे, वीडियो में जाके मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर सर टेक्स एक्सरसाइज के 6th पॉइंट तक जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे हमें कह रहे हैं सर हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस नहीं है, तो 5 ईयर जो है वो भाई आपस में कुछ इस तरह से कर लें कि शेयर कर लें, और एक वेबसाइट है इल्म की दुनिया, अगर मैं गलत ना हूँ कुछ इसी तरह से इल्म की दुनिया, तो उस पर जाके आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको ये पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप ले सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो भी ना हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ईयर्स थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन करेंगे आप, मुश्किल का सामना मिल के किसी तरह, ठीक है। थैंक यू सो मच सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो आप जुमरात को आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल जवाब हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज।